हाँ जी, तो आप क्या कर रहे हैं जनाब? जी तैयारियां हो रही है कल कैनबेरा जाने की। ओहो, चिकन रोस्ट किया जा रहा है, बेक किया जा रहा है। अच्छा, ताकि रास्ते में मजे मजे से खाएं चिकन को। और क्या खाएंगे आप? बहुत चीजें है वो, लेकिन सरप्राइज है, सरप्राइज। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फास्ट अल्टीमेट चैनल। मैं हूँ फरूख खान और आज हम आपको सैर करवाएंगे कैनबेरा की, जहाँ पे हम घूमेंगे फिरेंगे और खाएंगे और पिएंगे भी, और आपको भी साथ में घुमाएंगे और बहुत मज़े मज़े की लोकेशन आपको दिखाएंगे, जहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस भी है। मैं आपको वहाँ पे लेके चलूँगी, तो चलें हमारे संग। तो व्यूअर्स, यहाँ पे 3 AM है और हम निकल चुके हैं कैनबेरा की तरफ। तो सबसे पहले हम पेट्रोल डालेंगे और फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, हम 3 बजे इसलिए निकले हैं क्योंकि कैनबेरा का रास्ता जो है वो काफ़ी लंबा है, तकरीबन 6 to 7 hours का रास्ता है और हमें वहाँ स्टे भी नहीं करना है। तो हमने सोचा क्यों ना सुबह सवेरे हमने वहाँ पर स्टे भी नहीं करना है, तो इसलिए हम सुबह सवेरे निकले हैं। तो कैनबेरा जाने का मकसद ये है कि हम दोनों से, मियाँ बीवी से, पासपोर्ट जो है वो मिसप्लेस हो गया था, तो इसलिए हम वहाँ पे कैनबेरा जा रहे हैं, न्यू पासपोर्ट्स बनवाने के लिए जा रहे हैं। और सबसे पहले हम जाएंगे पाकिस्तान एम्बेसी। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, मैंने काफ़ी तारीफ़ें सुनी है कैनबेरा की। कैनबेरा जो है बहुत ज़्यादा प्यारी जगह है, मुझे अपने फ्रेंड्स ने कहा है टूरिज़म के लिहाज से ये जगह बेस्ट है, तो मैं भी आज देखूँगी, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। यहाँ पे नाश्ते का टाइम हो चुका है, 5 AM है यहाँ पे, हमने नमाज पढ़ ली है, तो अब हम जा रहे हैं कॉफ़ी की तरफ, अपने लिए कॉफ़ी ले रहे हैं। और मैं घर से कुछ सैंडविचेस, और आपने तो देखा था ना, मेरे हस्बैंड ने अपने लिए चिकन बेक किया था, तो साथ में कॉफ़ी के साथ हम चिकन और सैंडविचेस खाएंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैनबेरा का रास्ता काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो चले मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेती हूँ कैनबेरा के बारे में। तो कैनबेरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है, जिस तरह इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है। और इस्लामाबाद में मोस्टली गवर्नमेंट हाउसेस, पार्लियामेंट हाउसेस और हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तो सेम उसी तरह आपको कैनबेरा में भी यही चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी एम्बेसीज है, पाकिस्तान एम्बेसीज है, जहाँ पे हम वीज़ा का काम करवाते हैं और साथ में पासपोर्ट एक्सेट्रा। और यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्ट गैलरी है, तो आप वीडियो लास्ट तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको भी वो हिस्टोरिकल प्लेसेस में दिखा सकूं और आप भी हमारे साथ लुत्फानंदोज हो सके। मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम कैनबेरा एंटर हो चुके हैं और सामने आप बिल्डिंग को देख सकते हैं, बिल्कुल इस्लामाबाद की तरह लुक दे रहा है। जिस तरह इस्लामाबाद में खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, उसी तरह बिल्कुल मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं इस्लामाबाद में हूँ। अभी हम जा रहे हैं पर्थ एवेन्यू, जहाँ पे पाकिस्तानी एम्बेसी है। थैंक गॉड, एट लास्ट हम पाकिस्तानी एम्बेसी पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे व्यूवर्स बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पे आज 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। बस जल्दी से हम अपना काम ख़त्म करके वापस रवाना होते हैं और प्यारी प्यारी लोकेशंस आपको दिखाते हैं। तो ये लीजिए हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी, और सामने आप देख सकते हैं पासपोर्ट का सेक्शन और साथ में वीज़ा का सेक्शन। तो बस हम जल्दी से अपना पासपोर्ट का काम करते हैं और यहाँ से रवाना होते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम बहुत ही खूबसूरत गार्डन में मौजूद हैं और हम रवा दवा हैं नेशनल आर्ट गैलरी की तरफ। और थोड़ी ही देर में हम पहुँच जाएंगे आर्ट गैलरी। तो
तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमने एंट्री ले ली है, हम अंदर आ चुके हैं, और लेकिन हमें ये बात पता नहीं थी कि यहाँ पे आने से पहले हमने एंट्रेंस कार्ड बनाना होता है। यहाँ पे हमारा एक पाकिस्तानी भाई था जिन्होंने हमारी हेल्प की और हमें ईजली एंट्रेंस मिली। इस आर्ट गैलरी में आपको बहुत ही आला किस्म के पेंटिंग देखने को मिलेगी और साथ में स्कल्पचर्स देखने को मिलेगी। तो आप देखें इन्होंने कितनी ज़बरदस्त पेंटिंग्स की हैं, मुझे तो काफ़ी पसंद आई, और हमने इतनी पिक्चर्स ली, बहुत ही पिक्चर्स हमने यहाँ पे ली और काफ़ी मज़े किए। प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे लंच टाइम है और हम टर्किश रेस्टोरेंट में मौजूद है, और हमने ऑर्डर किया है प्लेटर, एक है चिकन कबाब का प्लेटर और मेरे हस्बैंड ने मटन का किया है, तो ये साथ में चावल है, डिप है साथ में और कुछ सैलड है। मेरे देवर बेटे हैं और इन्होंने ऑर्डर किया है मिक्स कबाब, इसमें मटन और चिकन जो है वो मिक्स है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमने खाना खा लिया है और अब हम रवाना हो रहे हैं अपने घर की तरफ। देखिए व्यूअर्स, सूरज डूब गया लेकिन अभी तक हम घर नहीं पहुंचे, और आप टाइम को देखिए, टाइम हो रहा है यहाँ पे 8:20 PM है यहाँ पे, और हम काफ़ी थक चुके हैं। बस आप दुआ करें कि हम जल्दी से घर पहुंच जाएं। यहाँ पे 10:30 है और बस हम घर पहुँचने वाले हैं, और आप देख सकते हैं ये थोड़ी बहुत डेकोरेशन, ये इन्होंने अपने लिए घर डेकोरेट किए हैं, क्रिसमस की तैयारियाँ कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।